अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और आराम से इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हो ना, पूरा YouTube पे या पूरी लाइफ में आपने बिल्कुल कभी नहीं देखा होगा। ये सारे WhatsApp के हिडन सीक्रेट फीचर, हो सकता है 10-12 सेटिंग में 2-3 सेटिंग आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। बाकी मैंने WhatsApp के कमाल के फीचर्स मैंने बताए हैं, अगर आप WhatsApp के बिगनर यूज़र हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, बाकी आप प्रो हैं तो फिर आपके तो कुछ कहने ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो को देखते रहिए और आप जानने वाले हो WhatsApp के टॉप 10 सीक्रेट हिडन फीचर्स के बारे में। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। से आप बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के बाद ना कमेंट में जरूर लिख देना है WhatsApp न्यू ट्रिक। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला हम ट्रिक की बात करेंगे सिक्योरिटी को लेकर के। हैकिंग से बचना चाहते हैं आप, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें वगैरह करते हैं तो उसे हैकिंग से बचने के लिए आपको इंक्रिप्शन का यूज़ करना चाहिए। प्रोफाइल पर क्लिक करके, जो आपका प्रोफाइल है ना, जैसे देखिए दोनों फ़ोन में मैं कर रहा हूँ, तो इस तरीके से प्रोफाइल में जाके दोनों में मिलता है इंक्रिप्शन। मैंने इंक्रिप्शन पे क्लिक कर दिया, नीचे आप भी देखेंगे तो इंक्रिप्शन दिखेगा, दोनों में स्कैन है। तो इस तरीके से आपको स्कैन कर लेना है एक दूसरे के बारकोड को। अब बताइए, अगर आप दूर में हैं, अगर आप 100 किलोमीटर की दूरी पे, या तो आप कहीं दूसरे जगह पे हो, तब कैसे करेंगे, क्योंकि आप दोनों तो पास में नहीं है, एक दूसरे के फ़ोन को स्कैन कर लेंगे। तो ऐसे में आप स्क्रीनशॉट को भेज करके दूसरे फ़ोन में लेकर के स्कैनिंग कर सकते हैं, और ये चीज़ कर देने के बाद आप बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। आप दोनों जब बातें करेंगे, वीडियो कॉल पे कुछ भी बातें करेंगे, तो आप बिल्कुल सिक्योर रहेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है अगर आप हैकिंग से बचना चाहते हैं तो। ओके, सो अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर चलते हैं, जो कि दोस्तों हमारे फ़ोन के अंदर चैट लॉक का फीचर मिलता है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से चैट वगैरह करते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में आपके फ़ोन को कोई लेना तो कोई देख ना पाए, तो आपके फ़ोन में ना उस कॉन्टैक्ट पे जाके चैट लॉक को चालू कर दीजिएगा। जैसे मैंने अभी चैट लॉक को चालू किया, अपना फिंगरप्रिंट या पैटर्न डाल दीजिएगा। अब देखिए आपका वो चैट गायब हो जाएगा। वो गायब चैट कैसे मिलेगा, नीचे करिए एक बार, ये देखिए ऊपर में लॉक्ड चैट मिल गया ना, लॉक्ड चैट को मिल गया। तो अब उस पर क्लिक करेंगे, फिर पासवर्ड डालिएगा, तभी उसके अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता है। और सभी चैट को तो देख पाएगा लेकिन इसको नहीं देख पाएगा। अब ये चैट लॉक को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर कैसे निकालेंगे, ये देखिए चैट लॉक जो आपने चालू किया था वो चैट लॉक को बंद कर देना है। फिर आपका नॉर्मल चैट जो बाहर में था जैसे, उस तरह से आपको ये बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, उसके अगले हम सेटिंग की बात करते हैं, वो हमारा डिसअपीयरिंग मैसेजेस। दोस्तों आप जब 24 घंटे बात करते हैं ना, उसी कॉन्टैक्ट में जाके जो भी आपका कॉन्टैक्ट है उस पर क्लिक करके आप जाएंगे ना, आपको डिसअपीयरिंग मिलेगा। अगर ये डिसअपीयरिंग 24 घंटे का लगाएंगे ना, तो डिसअपीयरिंग में होता है क्या, 24 घंटे के बाद सभी मैसेज डिलीट हो जाएंगे जो आप बात करते हैं आपस में अपनी गर्लफ्रेंड से या जिससे भी। अगर आप 7 दिन करेंगे तो 7 दिन में वो सभी मैसेजेस डिलीट होगा आप दोनों के बीच। और अगर आप उससे भी ज़्यादा कर देते हैं 90 दिन, तो 90 दिन के बाद आपका चैट डिलीट होगा। तो ये एक फ़ायदा है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ये ऑफ़ कर देंगे तो फिर चैट डिलीट होना बंद हो जाएगा। हम इसके अलावा अगले सेटिंग की बात करते हैं, जो कि हमारे फ़ोन में ऑलरेडी पहले से होता है, और वो है लिंक डिवाइस। तो लिंक डिवाइस के बारे में आपको फिर से मैं डिटेल से बताना चाहूँगा। जैसे ये मुझे ना लिंक डिवाइस का यूज़ करना है। इसमें ना होता क्या है, आपके पास एक फ़ोन है ना, तो आप अपने फ़ोन के व्हाट्सएप को 2 फ़ोन में या 3 फ़ोन में आप चला सकते हैं आराम से। उसको चलाने के लिए उस प्रोफाइल पे क्लिक करिए, फिर आपको लिंक डिवाइस पे क्लिक कर देना है। लिंक डिवाइस पे करने के बाद अब दूसरे फ़ोन में आपको जाना है। आप 3-4 फ़ोन में भी ना अपने एक व्हाट्सएप को चला सकते हैं, 3-4 फ़ोन में भी। पहले डेस्कटॉप मोड होता था ना, लेकिन अब लिंक डिवाइस आ गया है। अब वहीं पे ना जहाँ पे आपका नंबर होता है वहाँ पे क्लिक करिएगा ना, तो आपको दिख जाएगा ऐड अकाउंट। तो अपने एक और आपका व्हाट्सएप पहले से है तो ऐड अकाउंट पे जाइए। अगर आपने व्हाट्सएप अभी इंस्टॉल किया तो फिर तो उसमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस एग्री करना है, और यहाँ पर जो आप नंबर डालते थे ना पहले, वो नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस वही दूसरे फ़ोन वाला स्कैन कर दीजिएगा। कॉर्नर में क्लिक करेंगे ना, आपको दिख जाएगा लिंक एज कंपेनियन डिवाइस। कंपेनियन डिवाइस पे क्लिक करेंगे, आपका बारकोड आ जाएगा। तो जिस फ़ोन के अंदर में व्हाट्सएप चाहिए बस उसको स्कैन कर दीजिए। मैं फिर से वहीं पे जाता हूँ, प्रोफाइल, लिंक डिवाइस, फिर स्कैन। ये देखिए यूज मोबाइल डाटा, ये कर दीजिए स्कैन, कर दीजिए अपना फिंगरप्रिंट या पैटर्न डाल के।
तो ये देखिए अब आपका व्हाट्सएप जो है इस फोन में भी आ गया, दूसरे फोन में। तो इस तरह से आगे, अब अगर आपकी गर्लफ्रेंड को नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो आप अपने गर्लफ्रेंड के व्हाट्सएप के चैट को देखना चाहते हैं ना, तो ऐसे करके देख पाएंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि आपने वो उसका देखा है, आपका व्हाट्सएप उसका देख रहे हैं। ये किसी से बात करेगी, अब बस उसके अपने व्हाट्सएप में जाइएगा, दिख जाएगा। अब देखिए किसी में भी मैसेज करिएगा ना, तो वो मैसेजेस दोनों में दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने मैसेजेस भी करके दिखाता हूँ। फिर इसको हटाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए, किसी को मैसेजेस करेंगे फिर उसका आपको दोनों में कैसे जाता है मैसेजेस। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और ये ख़राब चीज़ भी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं देख के, तो ये ख़राब चीज़ भी है। तो ये देखिए सारे चैट वगैरह आ गए, धीरे धीरे लोड होके और अच्छे से दिखने लग जाएगा, बट अभी अच्छे से नहीं हुआ है। अब देखिए दोनों में डाउनलोड हो गया, इसमें जबकि नहीं था, अब इसमें भी व्हाट्सएप आ गया। और बस उसी तरीके से अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, अब कैसे ख़त्म करेंगे, बस वही लिंक डिवाइस पे जाइएगा और यहाँ पे देखेंगे ना, आपको एंड्रॉयड 13 जैसे है मेरा नाम, आपके भी मोबाइल का कोई नाम होगा, तो अगर यहाँ पे कोई लिस्ट में है तो इसका मतलब कोई आपको देख रहा था, तो बस उसको लॉग आउट कर दीजिए। अब ये ख़त्म हो गया, वो व्हाट्सएप ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, तो किसी के साथ गलत मत करिएगा, इसको सही तरीके से यूज करिए, मतलब प्रूफ इकट्ठा करने में या किसी चीज़ को बचाने के लिए, बर्बाद करने के लिए मत यूज़ करिएगा। अब अगले सेटिंग की बात करते हैं, वो है दोस्तों फ़ोटो सेंड करने के रिलेटेड। पहले जैसे आप फ़ोटो सेंड करते थे ना, उसी तरीके से अभी मैं सिलेक्ट करके अभी भेजूंगा, लेकिन यहाँ पर ना एक HD फीचर मिल चुका है। ये देखिए ऊपर में क्या आ गया, HD। HD पे जब आप क्लिक कर देंगे ना, HD क्वालिटी, तो आपका जो पहले फ़ोटो सेंड होता था उससे हाई क्वालिटी में आपका फ़ोटो सेंड होता है, उससे थोड़ा मोड़ा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में फ़ोटो सेंड होता है। तो ये व्हाट्सएप का नया फीचर है और इसको आप अप्लाई करके अब भेज दीजिए फ़ोटो। अब आपको डॉक्यूमेंट में नहीं भी भेजेंगे ना तो काम चल जाएगा। तो इस तरह से देखिए HD सब फ़ोटो में लिखा हुआ रहता है, जो आपने फ़ोटो भेजा सब में HD लिखा हुआ रहता है। तो ये एडवांटेज है और इसका आप फ़ायदा उठाइए, इसका यूज़ करिए, और ये हर किसी को पता होना चाहिए। और कितना भी फ़ोटो आप भेज सकते हैं, स्टेटस में भी शेयर करेंगे, वहाँ पे भी HD में जाएगा। अदरवाइज़ आप ये देखिए, फिर से मैं दिखा दूँ, ये HD मैंने अप्लाई किया, जस्ट डन, इट्स गैलरी से भी मैंने शेयर किया तो वहाँ से भी हो गया, डायरेक्ट यहाँ से भी शेयर करेंगे तो यहाँ से भी HD हो जाता है। तो HD वाला फीचर ज़रूर यूज़ करिएगा, आप सबको अगर पता नहीं था तो बताइएगा कमेंट में, अगर आपको पहले पता था तो। अब यहाँ पे एक ना चीज़ दिखाते हैं, जैसे ऑडियो मैसेजेस, आप अभी तक ऑडियो मैसेजेस भेजते होंगे, अब यहाँ पे ना वीडियो मैसेजेस का ऑप्शन आपको मिलता है। कैसे, ऑडियो पे वही एक बार ऊपर कर दीजिए या नीचे मथे स्लाइड करिए, नीचे साइड स्लाइड करिएगा, आपको वीडियो दिख गया। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा, और वो देखिए कैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी मैसेजेस भेज दीजिए, कुछ भी बोल के, ये 1 मिनट तक का मैसेजेस होता है, और इसको मैसेज बोलिएगा या क्या बोलिएगा पता नहीं, बट हाँ है देखने में इंटरेस्टिंग, कोई इसको चलाएगा ना तो वीडियो चलाएगा तो इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। ये देखिए मैंने इसको भेज दिया, अब देखिए इसको चालू कैसे होता है, सेकंड भी नीचे दिखा रहा है कितने सेकंड का है, बस उस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो राउंड शेप में होता है ये ऑडियो वाला, सॉरी वीडियो मैसेजेस। तो ये वीडियो मैसेजेस का भी यूज़ करिए, आपके दोस्त वगैरह बोलेंगे वाह यार कैसा कैसा अब फीचर यूज़ करते हो। और एक चीज़ और, अगर आपको नहीं मिल रहा है ना ये फीचर, तो व्हाट्सएप अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाके, आपका फ़ोन नॉर्मली काम करने लग जाएगा। ये फीचर अगर नहीं होगा चालू तो चालू हो जाएगा। और हाँ, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, अभी और ख़तरनाक फीचर आप जानने वाले हो स्टोरेज को लेकर के, लेकिन पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा स्टेटस में कुछ नया अपडेट। जैसे कोई भी फ़ोटो का पोस्ट कर, कोई भी फ़ोटो आप स्टेटस में लगाते हैं ना, तब आपको लिखने का अलग अलग स्टाइल देखने के लिए मिलता है व्हाट्सएप में। जैसे ये देखिए, मैंने पहले ना ये बॉर्डर लाइन नहीं आता था, ये फेसबुक इंस्टाग्राम में आता था सिर्फ, ये व्हाट्सएप में नहीं आता था। अभी मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन, इसके साइड में वाइट कलर का बॉर्डर आ गया, मुझे वाइट कलर के बॉर्डर का कलर चेंज करना है। देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, और ये सब लोग, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो आप देखिए इसको यूज़ करिए, फ़ॉन्ट स्टाइल, लिखने का स्टाइल भी अलग अलग आपको मिल गया, तो जैसे पसंद आता है उस तरीके से यूज़ करिए, और हर एक फीचर को, ताकि सामने वाला भी सोचेगा यार इसके व्हाट्सएप में इतना ज़्यादा फीचर कैसे आ गया। और इसके अलावा ना स्टेटस में और भी बहुत सारे अपडेट आए हैं, अभी बस आप देखते रहो, जैसे कि ऑडियो मैसेजेस,
टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट बैकग्राउंड, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लिखा, मैं इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। लिखने का स्टाइल तो खैर पहले भी चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ, कलर पर क्लिक करिएगा और फिर यहाँ पर ऑडियो मैसेजेस, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैसेजेस पर गया और ये ऑडियो मैसेजेस में ऑडियो स्टेटस में लगा सकता हूँ, ऑडियो मैसेज नहीं, ऑडियो स्टेटस में लगा सकता हूँ। तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। ये देखिए कोई अनाउंसमेंट करना हो या आपके ग्रुप या कॉलेज के ऐसे कुछ ग्रुप हैं तो वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, सबको पता चल जाएगा। और कलर चेंज करना चाहें कलर भी चेंज कर सकते हैं, अच्छा लगता है देखने में। और हम बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर, लेकिन उससे पहले ना इस वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपने लाइक नहीं किया था तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और ये वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे और वो भी अपने फ़ोन के अंदर इस इंटरेस्टिंग व्हाट्सएप के फीचर को यूज़ कर पाएंगे। और कुछ कुछ फीचर आपको नहीं मिलते हैं तो व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिएगा। और देखिए ये व्हाट्सएप फिर से मैंने ओपन किया, अब यहाँ पे मैं ना आपको बताऊँगा स्टोरेज को लेकर के। आपके मोबाइल का स्टोरेज भरा हुआ रहता है व्हाट्सएप की भी वजह से, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, और वो कैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ करके कैसे आप चेक करेंगे। व्हाट्सएप के सेटिंग में जाइएगा, आपको दिखेगा स्टोरेज एंड डाटा। स्टोरेज एंड डाटा पे जब आप जाते हैं ना तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है। स्टोरेज एंड डाटा पे जाने के बाद मैनेज स्टोरेज सबसे ऊपर वाला जो है ना उस पर क्लिक कर दीजिएगा। वेट, मैं लाइट को एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको जो है मैनेज एंड स्टोरेज इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जाते हैं ना तो यहाँ पर देखिए 2.7 GB ना सिर्फ WhatsApp की वजह से मेरे फ़ोन में भरा हुआ है। अब ये ज़रूरी फाइल है या फालतू फाइल है उसको आप चेक कर लीजिएगा। देखिए ऊपर में लार्जर देन 5 MB ये लिखा हुआ है और उसके नीचे आप देखेंगे 2.7 GB, ये टोटल जो पीला वाला जो आप बॉर्डर देख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि 2.7 GB मेरे में भरा हुआ है। मेरे में तो लगभग 7-8 GB भरा हुआ था, मैंने सबको डिलीट किया और ज़्यादा। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे भरा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट वाइज, जो कॉन्टैक्ट है आपका सबसे पहले उसमें देखिए कितना जीबी भरा हुआ है, ये भी है लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये स्टोरेज जो भरा हुआ है किसकी वजह से भरा हुआ है, कितना फाइल है, कौन कौन बड़ा फाइल है, उसको चालू करके प्ले करके आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एक भाई मेरा सब कुछ ना इसके साथ जो मैंने भेजा फाइल वगैरह वो सब कोई ज़रूरी नहीं है, बस उसको आप डिलीट कर दीजिए। जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल करेंगे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, 535 फाइल आ गया यहाँ पे। अब जो आपको फालतू लगता है जस्ट डिलीट इट, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर वो बहुत जगह लेता है और ये फ़ोन में जगह लेने की वजह से ना आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज पे फ़र्क पड़ता है और साथ में मोबाइल भी हैंग करता है स्टोरेज भरने की वजह से। अब मैं दूसरे कॉन्टैक्ट में आ गया, यहाँ पे भी देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट और फाइल भेजा गया है, मुझे लगता था मैंने इसको डिलीट कर दिया लेकिन यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे फ़ोन के अंदर। अब यहाँ पे देखिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो वो दिखने लग गया और यहाँ पे फ़ोटो वीडियो फाइल सब दिख रहा है। तो ऐसे में आप ना मतलब जो आपको लगता है यूजलेस है जस्ट उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये फालतू का जगह ले रहा है। और लार्जर वाले फाइल पे क्लिक करोगे ना तो इसको ओपन कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि कोई आपका डॉक्यूमेंट हो, मतलब कोई स्कूल कॉलेजेस या कहीं का भी कोई डॉक्यूमेंट हो जरूरी वाला या जॉब के रिलेटेड, तो उसको डिलीट मत कर दीजिएगा, वो देख कर डिलीट करिएगा। अगर आप बिजनेस पर्सन है ना तो हर एक फाइल को ओपन कर लीजिए उसके बाद डिलीट करिए। बस मैंने आपको सीक्रेट बता दिया कि यहाँ पे सभी फाइल छुपे हुए होते हैं, हमको लगता है कि हमने सब कुछ को डिलीट कर दिया लेकिन वो असल में डिलीट नहीं होता है। तो ये था स्टोरेज का सीक्रेट फीचर। और यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क यूजेज, तो आप अपना नेटवर्क यूजेज हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे मेरा नेटवर्क यूजेज है 9.3 GB मैंने भेजा है और 10 GB मेरे फ़ोन में आया है। इसमें ना व्हाट्सएप में फ़ोटो वीडियो ग्रुप का हर चीज़ होता है, आप हमें बताइएगा आपका कितना जीबी है, कहीं आपका 50-60 GB तो नहीं है ना नेटवर्क यूज़ में। इससे आपको कोई नुकसान नहीं है ऐसा वैसा, बस आपको मैंने बताया कि आप वहाँ से चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर के फीचर अब जब से व्हाट्सएप चला रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और, ये सब ना जो है ना मैंने जो भी अनटिक किया व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, ये सबको आप बंद करके रखिएगा। इसको बंद करके रखने का ना फ़ायदा होता है कि आपके फ़ोन के अंदर फालतू स्टोरेज में डाउनलोड नहीं लेंगे, ग्रुप में कोई भेज दिया है ऐसे वैसे वीडियो गंदे वीडियो तो वो सब डाउनलोड नहीं होगा। तो इन सबको मैं बोलूँगा व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई और व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, इन दोनों में जो फ़ोटो डाउनलोड ऑटोमेटिक वाला है
उसको बंद करके रखिएगा क्योंकि इसमें आप सेफ रहोगे ज़्यादातर। तो मैंने आपको इस तरह से कुछ WhatsApp के सीक्रेट इम्पॉर्टेंट फीचर्स को आपको बताया है। उम्मीद है आप सारे फीचर्स को समझ गए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ये वीडियो शेयर कर देंगे ना तो और भी व्हाट्सएप में जो चलाते हैं व्हाट्सएप को चलाते हैं करोड़ों लोग चलाते हैं, मुझे पता है आपको भी पता है, सबके साथ शेयर कर दीजिए फैमिली में ताकि हर कोई जान पाए, वो हैकिंग से बच पाए, व्हाट्सएप के हर एक फीचर को यूज़ कर पाए। और कमेंट में लिख देना है व्हाट्सएप बेस्ट ट्रिक या व्हाट्सएप न्यू ट्रिक आपको लिख देना है। अब मैं मिलता हूँ आगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे थे ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। बाय।